अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ आलिया अली और आज की वीडियो में रिव्यू शेयर करूँगी आप लोगों के साथ रीदा जैन फाउंडेशन का। यहाँ पे मेरे पास दो फाउंडेशन हैं, कौन सी हैं, कौन सा इनका कलर है, इनमें कितने शेड्स हैं, कहाँ से मिलेगी, किस रेंज में मिलेंगी और ये सारी बातें जो है ना वो आपको इस वीडियो में मैं बताऊँगी और आपने वीडियो एंड तक देखनी है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और वीडियो देखने के बाद अच्छी लगे तो लाइक के बटन पर ज़रूर क्लिक करना है आपने। अच्छा जी, सबसे पहले तो इसकी पैकिंग की बात कर लेते हैं। पैकिंग इसकी आप देख सकते हैं सामने वाइट कलर की, इसकी जो पैकिंग है ना वो हल्की सी जैसे गत्ते की पैकिंग नॉर्मल सी होती है ना उस टाइप की है। ऊपर इनका लोगो बना हुआ है, रीदा जैन जो ब्रांड है उसका, वो रीदा जैन नाम लिखा हुआ है रीदा का। और नंबर इसके में मैंने दो ली मेरे पास है, 03 है और 04, दो शेड हैं मेरे पास। बाकी भी आपको मैं आगे चल के दिखाती हूँ इनमें कौन कौन से शेड अवेलेबल हैं। सबसे अच्छी बात है जी, इसके ऊपर हर चीज़ मेंशन है, इंग्रेडिएंट्स मेंशन है, लगाने का तरीका लिखा हुआ है, कौन सी स्किन के लिए है, नॉर्मल टू ड्राई स्किन के लिए, फाउंडेशन किस तरह की, सब ऑल स्किन टाइप के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही लाइट फार्मूला है, बिल्कुल केकी नहीं करता। आप इसको स्पंज के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, स्पंज नहीं है तो सिंपल फिंगर टिप्स के साथ भी आप इसको अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे पूरी जो डिटेल है ना यहाँ पे मेंशन की हुई है, शेड की इसके अंदर आपको जो है ना काफ़ी वैरायटी मिल जाएगी, आपको इसके अंदर 6 शेड मिल जाएंगे, ठीक है। उनके सबके जो नाम है ना वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले जी नंबर 3 है बेज, नंबर 4 है पोर्सलिन, नंबर 5 वार्म पिंक है, नंबर 6 आइवरी है, नंबर 7 कैरामल है, नंबर 8 कॉफ़ी है। अब आपने अपना शेड देखना है, उसी हिसाब से आपने सेलेक्ट करना है। मेरे पास नंबर 3 और 4 है जो कि एक येलो टोन में है, एक थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं इन दोनों को मिक्स करके किस तरीके से अप्लाई करती हूँ वो भी आपको दिखाती हूँ। अब अंदर की पैकिंग की बात करें, देखें जी बड़ी खूबसूरत सी ये प्लास्टिक की बोतल है, 03 शेड है ये मेरे पास अभी। और यहाँ पे आपको अंदर से फाउंडेशन का जो कलर है वो भी यहाँ से नज़र आ रहा होगा, बाहर इनका लोगो है वो भी नज़र आ रहा। ऊपर वाला जो ये चीज़ है ना, इसका जो लिड है वो उसके खोलने पे आपको इसके अंदर ना पंप मिलेगा, जो कि बहुत ही खूबसूरत चीज़ है। पंप जो है ना आपकी इसको जो कोई भी प्रोडक्ट है उसको वेस्ट नहीं करता और अप्लाई करना भी बहुत इजी हो जाता है। ये बाहर थोड़ा सा, इसको मैंने इतना यूज़ कर लिया है, बाहर हल्का हल्का आपको नज़र आ रहा होगा इसके थोड़े थोड़े स्टेन लगे हुए थे और मुझे इसको यूज़ करते हुए काफ़ी टाइम हो गया है और इतनी मैंने इसको यूज़ कर ली, दोनों को मैं मिक्स करके यूज़ करती हूँ, मैं सिंपल भी अप्लाई कर लेती हूँ। और ये इतना इसका कोई लाइट फार्मूला है, आपको बिल्कुल केकी वो फील नहीं होता। और दूसरी बात, ये हाई कवरेज नहीं है। अगर किसी को सैलून वगैरह के लिए चाहिए, ब्राइड तैयार करनी है, ये बहुत हैवी फाउंडेशन चाहिए ना तो उनके लिए नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि ये बहुत ज़्यादा हैवी फाउंडेशन, वो हैवी लुक जो है ना वो आपको देती है। और इतनी ज़्यादा ये वाटरप्रूफ भी नहीं है, दूसरा ये बहुत ज़्यादा ऑक्सीडाइज भी नहीं होती। अगर ऑक्सीडाइज होती है बहुत कम, हल्की फुल्की सी ऑक्सीडाइज होती है, बहुत ज़्यादा जो है ना ये ऑक्सीडाइज नहीं होती। और इसके अलावा हैवी, बिल्कुल हैवी कवरेज, बहुत ज़्यादा हैवी कवरेज आपको ये नहीं देगी, लाइट सी कवरेज आपको देगी। डेली वेयर में अगर आपको इसको अप्लाई करना हो ना तो बेहतरीन फाउंडेशन है ये। अगर आपको लाइट सी कवरेज चाहिए ना और डेली वेयर पे, डेली बेसिस पे आपने अप्लाई करना है तो सच में ये बिल्कुल ऐसे लगता है फेस पे कुछ भी आपने इतना ज़्यादा कुछ खास अप्लाई नहीं किया हुआ इस तरह की। अब ये देखिए मैं आपको यहाँ पे ना इनके जो कवरेज दिखाती हूँ और यहाँ पे ये दोनों जो फाउंडेशन है ना, ये 04 है और एक साइड पर मैंने 03 शेड जो है ना वो अप्लाई यहाँ पे डॉट, ये देखें आप नज़र आ रहा है इनके, एक जो है ना वो येलो बेस है, एक जो है वो पिंक टोन में है, ठीक है। तो फिर मैंने ये दोनों जो है ना डिफरेंट थे स्किन टोन से, तो फिर इन दोनों को मैंने मिक्स करके जब मैं अपने फेस पे अप्लाई करती हूँ ना बहुत अच्छा एक शेड बन जाता है। यहाँ पे आप इसकी कवरेज देख सकते हैं, अभी आपको थिक लग रही होगी बट जैसे आप इसको फेस पे अप्लाई करते हैं ना तो बहुत ही हल्की हल्की सी आपको ये नेचुरल सी आपको कवरेज देती है। और इसका जो फार्मूला है ना वो बहुत ड्यूई फार्मूला, मतलब एक फाउंडेशन होती है जो बिल्कुल मैट कर देती है, ये वो चीज़ नहीं है। अब ये देखें मैं ये दो यहाँ पे, ये मेरे जो हाथ पे लगी हुई थी ना, मैं दोनों ये दोनों शेड को मिक्स करके यहाँ पे मैं अप्लाई करके दिखा रही हूँ, ये बिल्कुल ऐसे शाइन शाइन, जैसे अक्सर बेस में से होता है ना, आपने हाईलाइटर अप्लाई किया हुआ होता है, एक इस बेस के अंदर से एक शाइन शाइन से फील होती है। अगर आप मैट करना चाहते हैं तो आप उसके ऊपर मैट पाउडर भी वो लगा सकते हैं, बट ड्यूई सा इसका बड़ा शाइनी सी इसकी बेस है जो कि विंटर के हिसाब से बहुत बड़ी बेहतरीन है। और दूसरा ऑयली स्किन वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, डार्क जिनकी ड्राई स्किन है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, दोनों स्किन टोन पे बेहतरीन ये चली जाती है, अच्छी लगती है ये। और दूसरी बात अगेन कह रही हूँ, अगर आपको हैवी कवरेज के लिए चाहिए तो हैवी कवरेज मैंने इसको 2-4-5-6 दफ़ा मैनी टाइम अप्लाई करके ये देखा है,
और इसके रिजल्ट्स भी लिए हैं। हैवी कवरेज ये आपको नहीं देगी, ठीक है। ब्राइडल पे अप्लाई करना है तो आप वो वाला जो फार्मूला है ना, वो मुझे इसका वो नहीं लगता। बाकी अगर इसकी रेंज की बात करें, ये जी 2285, यहाँ स्क्रीन पे मेंशन है 2250 की आपको मिलेगी। आप ऑनलाइन इनकी वेबसाइट से जाके ले सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।